उत्तर प्रदेश में रामराज जैसा तो अब कुछ रहा नहीं, क्योंकि गंगा में तैरती लाशों ने न सिर्फ सरकार की पोल खोल दी बल्कि मीडिया मैनेजमेंट की धज्जियां उड़ा दी। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाला है बड़ा बदलाव? क्या योगी जी की विदाई के सहारे यानी योगी मुक्त रामराज की स्थापना में भाजपा आगे बढ़ने की सोच रही है? क्या उत्तराखंड का प्रयोग उत्तर प्रदेश में भी चलाकर भाजपा शासन में वापसी की आसार और गुंजाइश खोज रही है? नमस्कार, मैं विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गांव की गूंज से लेकर। उत्तर प्रदेश में रामराज जैसा तो अब कुछ रहा नहीं, क्योंकि गंगा में तैरती लाशों ने न सिर्फ सरकार की पोल खोल दी बल्कि मीडिया मैनेजमेंट की धज्जियां उड़ा दी। मीडिया मैनेजमेंट को पूरा करने के लिए नवनीत सहगल को लाया गया था, शायद वो कारनामा कुछ हद तक अखबार की सुर्खियों और खबरों से तो मैनेज हुआ, लेकिन जनता जो कि जमीनी आधार पर योगी से नाराज चल रही है अलग अलग कारणों से, वो शायद अब योगी मुक्त यूपी का आसार देख रही है। और भाजपा ने शायद आरएसएस के साथ बैठ करके इसी पर विचार विमर्श किया है और आगे बढ़ने की सोच भी रही है। अगर सूत्रों की माने तो बाबा की विदाई का वक्त आ चुका है और रामराज की वापसी के आसार बिना इसके भाजपा और आरएसएस को नहीं दिख रहा है। हालांकि बाबा की पूरी फौज लोगों को यह डराने में, लोगों का मतलब है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को यह डराने और समझाने का माहौल बना रही है कि बाबा के बिना यूपी का रामराज संभालेगा कौन। जाहिर सी बात है कि योगी जी के हाथ में ना सिर्फ पूर्वांचल की कई सीटों की कुंजी है बल्कि उत्तर प्रदेश में एक उन्होंने अलग धमक बनाई है और हिंदुत्व के वो ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, खुद भाजपा को भी यह पता है। तो योगी जी को बदलने वाली गुंजाइश से बचते हुए भाजपा हो सकता है कोई रास्ता देख रही हो, लेकिन अभी दिल्ली में जो गुपचुप तरीके से एक एजेंडा तैयार होने की सूत्र बात कर रहे हैं कि भाजपा और संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले, केंद्रीय नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री ने यूपी के कैबिनेट में बदलाव का पूरा मसौदा तैयार किया है और यह बदलाव योगी जी के साथ होना है। हालांकि दूसरी थ्योरी के हिसाब से लोग यह भी बोल रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में तीन मुख्यमंत्रियों का राज होगा, यानी एसके शर्मा जो कि प्रधानमंत्री के करीबी थे उनको भी उप मुख्यमंत्री की सीरीज में लाया जाएगा और कुछ चेहरों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। हालांकि इस थ्योरी में कोई दम नहीं है, क्योंकि यह सब जानते हैं कि बिना योगी जी की सत्ता का परिवर्तन किए बिना शायद यूपी में रामराज की वापसी के आसार लगभग कम है। लेकिन भक्तों का कहना कि बाबा के बाद हार और बुरी होगी, हार तो अभी तय है, यह एक अलग सवाल उठाता है। पर भाजपा की अभी बड़ी दिक्कत है, क्या वह केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर पारी खेल पाएगा? हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर पार्टी विश्वास कर ले, क्योंकि अध्यक्ष रहते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा का शासन उत्तर प्रदेश में वापस दिलाने में एक अहम रोल किया था। दूसरा तरीका है कि महेंद्रनाथ पांडे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जिसके चांसेस और आधार ब्राह्मण वोटरों को साधने की है, लेकिन शायद यह सही डिसीजन नहीं होगा, ऐसा पार्टी के जानकार मानते हैं। तीसरी संभावना स्वतंत्र देव सिंह की है, जो मौजूदा समय में भाजपा के अध्यक्ष हैं, क्योंकि उनको करने के साथ भाजपा यह कर सकती है कि अध्यक्ष बदल दे और अध्यक्ष की उम्मीदवारी किसी दूसरे हाथ में दे दे। तीसरा, सुरेश खन्ना के सहारे भी यूपी में अब तक के मुख्यमंत्रियों के इतिहास बदलने की कोशिश की जा सकती है। सुरेश खन्ना चूंकि संगठन में और पार्टी में एक अलग तरीके की साख रखते हैं और वो भी कहीं ना कहीं मोदी जी की राह वाले हैं। और बनियों की राजनीति उत्तर प्रदेश में शायद कुछ नया रास्ता बनाए, ऐसा एक कयास लगाया जा रहा है। बहरहाल इन सब सवालों का जवाब
आने वाले कुछ दिनों में मिल ही जाएगा। हो सकता है कि यह पहले की तरह लगाए गए कयास जैसे ही साबित हो, लेकिन एक बात तय है कि उत्तर प्रदेश में इस समय रामराज खतरे